वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अपूर्णा। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूं आप लोगों से। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं एक चीज़ परचेज किया हूं फ्लिपकार्ट से और वो है एक शेल्फ। तो वही शेल्फ आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगी और उसे सेट करूंगी और उसे किस तरह से हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इसके ऊपर कुछ आइडिया देने वाली हूँ। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट काम है। मुझे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद है, डेकोरेट करना बहुत पसंद है, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो इसे एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो शेल्फ मैंने लिया इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। और ये शेल्फ 3 कलर में आता है पर मैं परचेज किया हूँ पिंक में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है वो चीज़ जो अब मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। प्राइस है ये देखिए 719 और डिलीवरी चार्ज है 85, तो टोटल प्राइस है 804। और ये एक्चुअली है क्या, ये है एक ओपन शेल्फ बुक शेल्फ। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसे अब सेट करना पड़ेगा। तो 39 अब अनबॉक्सिंग करके इसे सेट करेगा और मैं इसे ऑर्गेनाइज करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से ये सेट करना पड़ेगा। तो 3 अब सेट करेगा पार्ट बाय पार्ट। सेट होगा ये टोटल 5 शेल्फ होगा। तो इसके अंदर इस तरीके का छोटा स्टैंड दिया हुआ है इस तरीके का और यहाँ पे ये और ओखने लगा यहाँ और इस तरीके का इस तरह से यहाँ पे सेट होगा। और देखिए प्रियांशु भी हाथ लगा दिया। ये काफ़ी मजबूत है क्योंकि ये देखिए 4 स्टैंड के ऊपर एक एक शेल्फ है, तो ये काफ़ी मजबूत है। पर ये कपड़े का है ये चीज़, कपड़ा भी अच्छा है। तो ये स्टैंड सेट हो गया, तो इसे मैं थोड़ी देर में ऑर्गेनाइज करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। तो मैं शेल्फ के ऊपर सारा मेरा कॉस्मेटिक रख दिया, इसे ड्रेसिंग टेबल के पास रख के सारा जो मेरा कॉस्मेटिक है उसे सेट कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अगर चाहो तो इसके ऊपर कॉस्मेटिक भी रख सकते हो, मैं अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक रख दिया और बहुत ही अच्छा एक लुक दे रहा है। और ये ज़्यादा वीक नहीं है, देख के ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा वेट नहीं ले सकेगा, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत हार्डी है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टैंड है ये 4 स्टैंड के ऊपर है, तो इसीलिए ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा चीज़ वेट नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं है, ये ठीक ठाक है।
तो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं और इस तरह से हॉल में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर बच्चों के सारा जो टेडी है, मेरे बच्चों के खिलौने, वो सब कुछ मैं रख दिया। देखिए बहुत अच्छा लुक दे रहा है। ये एक मल्टीपर्पज़ शेल्फ है, तो मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से इसे सेट करके रख सकते हैं जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरह से भी आप सेट करके रख सकते हैं। शेल्फ देखिए बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो और भी कुछ मैं रख सकती हूँ। इतने कम प्राइस में इतना अच्छा एक शेल्फ, मल्टीपर्पज शेल्फ, बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से डेकोरेट करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये है एकदम फाइनल लुक, क्योंकि मैं इसे परचेस किया हूँ बुक्स रखने के लिए बच्चों के, तो मैं बुक्स के साथ इस शेल्फ को ऑर्गेनाइज कर दिया। और देखिए इसके ऊपर मैं बहुत सारा मोटा मोटा जो बुक्स है, जैसे डिक्शनरी, नॉलेज बुक, बच्चों के कॉपी बुक्स, सब कुछ रख दिया। और एकदम नीचे वाले शेल्फ में मैं बैग रख दिया, तो सब कुछ अच्छी तरह से सेट हो गया। और ऊपर थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए एक ट्री पेन स्टैंड रख दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके ऊपर मैं रखूँगी बच्चों का सारा बुक्स। तो अभी ये हॉल में है, पर इसे मैं बच्चों के रूम में सेट कर दूँगी। मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया देने के लिए इसके ऊपर मैं अलग अलग चीज़ें सेट करके मैं दिखा रही हूँ। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर घर में बहुत सारे इंडोर प्लांट है तो इसके ऊपर प्लांट भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा प्लांट के साथ। और अगर आप मेडिसिन वगैरह स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज स्टैंड है और ये एकदम परफेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, उससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।